Ready. Good morning, students. And this is for class 7. As you got the worksheet, and this is the summation of worksheet number 1. And it's absolutely English. And your first question: put a tick in front of the group of words which are sentences, and put a cross against whose which are not. So what you have to do? Now you have to choose the sentences which are the sentences in correct order. You have to take it, and those who are not sentences, you have to just cross it. So to make it, you have to know what is sentence. So I think you all know what is sentence, but to make you remind, I have make one note. What is sentence? Now sentence is a group of words containing a subject and a verb that express a statement, a question, etc. And a complete sentence has at least a subject and a main verb to declare a complete thought. So what do you mean by it? जो लोगों को पूरा समझ में नहीं आ रहा, उन लोगों के लिए फिर से हिंदी में एक्सप्लेन कर देते हैं. सिर्फ तुमको एक चीज ध्यान रखना है, उसमें सब्जेक्ट तो रहना जरूरी है, सब्जेक्ट के साथ साथ मेन भाग भी रहना जरूरी है. कहीं कहीं ऐसे होता है जैसे सब्जेक्ट नहीं है, जो हिडन रहता है, लेकिन उसमें मेन भाग होना जरूरी है. अ कंप्लीट सेंटेंस हैज एट लीस्ट अ सब्जेक्ट एंड अ मेन भाग. सो मेन भाग इज वेरी नेसेसरी वर्ड. सो व्हेन यू हैव एनी सेंटेंस और एनी ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग नो मेन वर्ब, जिसमें मेन वर्ब नहीं होता है, वो सेंटेंस नहीं कहलाएगा. दैट शुड बी नॉट अ सेंटेंस. ओके, एंड इट शुड हैव अ एंड गुड सेंस, इट शुड अ कंप्लीट थॉट. ओके, सो एंड आई हैव सम एग्जांपल्स एंड दैट इज गिवन इन योर वर्कशीट. ओके, सो लेट इट ट्राई टू सॉल्व. एंड हम आई हैव जस्ट completed 4. I will discuss 4 questions and then you will complete it at your home. Okay, so let's take it. This should be at. Sorry. At the right time. Okay. At the right time. So here you can see no subject is here. And at the right time here only some words are here, no main verbs. At first I have told you to choose main verbs. So here no main verbs. You can think it properly. So where is the verb? What is called verb? You know it properly. So in your previous classes, in class 4, 5, you have already read it. What is verb? Now verb is an action word. Verb is an action word. जिस वर्ड के द्वारा तुम कोई भी काम, कोई भी वर्क, जैसे प्ले, रीड, ईट, यू हैव नो इट, यू हैव जस्ट बी अवेयर ऑफ इट, यू नो इट वेल. सो वर्ब जिसमें नहीं है, जिसमें मेन वर्ब नहीं है, वो सेंटेंस नहीं कहलाएगा. सो फर्स्ट वन इज नॉट सेंटेंस. समझ में आया? तो ये सेंटेंस नहीं है, तो इसमें हमको क्या करना है? क्रॉस लगाना है. ठीक है. नेक्स्ट वन, What a stupid story you have told me. देखो इसमें बहुत सारा है, बहुत सारा कारण, बहुत सारा वर्ड्स है. देखो जिस वर्ड्स में वर्ब भी है, सब्जेक्ट भी है और ऑब्जेक्ट भी है, सो मेनी थिंग्स दिए. ओके, सो इसमें कौन, देखो व्हाट ए स्टूपिड स्टोरी, क्या बोला जा रहा है? एक स्टूपिड स्टोरी. एंड यू हैव टोल्ड टू मी. ओके, मी हियर ऑब्जेक्ट एंड यू हियर सब्जेक्ट. ओके, सो हियर टोल ऑल्सो. इतना समझ में नहीं आ रहा तो तुम सिर्फ देखना मेन वर्ब है कि नहीं. ठीक है, तो इसमें टोल्ड है मेन वर्ब. टोल्ड क्या है? ना टेल का भीतरी फॉर्म है. ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद हैज के साथ भीतरी लगता है. ठीक है, तो ये मेन वर्ब का भीतरी फॉर्म है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है. तो ये क्या हो गया? मेन वर्ब है तो ये सेंटेंस है. ठीक है, नेक्स्ट.
अ पीस ऑफ केक, इसमें वर्ब नहीं है, ठीक है, सो दिस इज नॉट अ सेंटेंस, ओके क्लियर। इन द वेस्ट, इसमें भी वर्ब नहीं है, दिस इज एंड दिस इज कॉल्ड ऑल्सो फ्रेज, वी विल गो फॉर द नेक्स्ट क्लास, ओके फ्रेज, दिस इज कॉल्ड फ्रेज नॉट सेंटेंसेस, ओके सो हियर ऑल्सो क्लोज, ओके लाइक दिस। You have some more questions in your worksheet, so your homework is to complete that, okay, and tomorrow I will check it, okay, bye, have a nice day.